Hey guys, welcome back. My name is Mohita and I make food and book related videos on this channel. And this is going to be yet another cooking vlog. I am going to cook lunch right now. And today I'm actually attempting a new recipe that I've never made before. Today I'm going to make some ragi mudde. Pehli baar bana rahi hoon, so my fingers are crossed. And I'm going to combine that with some egg curry. Let's go! So, जुगाड़ ऐसा है कि कल मैंने बनाया था कैबेज कोफ्ता करी, जिसमें से कोफ्ते सारे ख़त्म हो गए लेकिन इसकी ग्रेवी बची हुई है. सो द आइडिया इज़ टू यूज़ दिस ग्रेवी अप बिकॉज वही बेस ग्रेवी है जिसमें अनियन, टमाटर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़े से कैश्यूज, ग्रीन चिली, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और क्या डाला है इसके अंदर, और कुछ नहीं डाला है. सो दैट इज़ द बेस ग्रेवी और गर्म मसाले ऑफकोर्स. तो ये बेस ग्रेवी मेरे पास थोड़ी सी बची हुई है तो आज मैं अभी इसको यूज़ अप करने वाली हूँ अपने अंडा करी में. सो मैंने एग्स को रख दिया है सॉल्ट वाटर में बॉईल करने के लिए. आई लाइक टू बॉईल द एग्स फॉर अबाउट 12-ish मिनट्स. एंड मैंने इसे सुना है कि अगर सॉल्ट वाटर में अगर अंडे बॉईल करते हो तो उसके शेल्स ब्रेक नहीं होते. जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है दिस वर्क्स. मेरे खिड़की के बाहर एक बच्चा रो रहा है, टार्जन की तरह रो रहा है करके. What a creative way of wailing. While the eggs are getting boiled, I'm going to keep the mangoes in water. तो लंच के बाद हमारा डिजर्ट आजकल आम होता है और उसमें भी ये रत्नागिरी देवगढ़ हापुस है, मतलब सोने पे सुहागा है बिल्कुल. Do you guys also soak mangoes in water before eating? तो जो अभी मेरे पास ग्रेवी है इट्स नॉट गोइंग टू बी सफिशियंट. तो इसके लिए मैं और थोड़ी सी ग्रेवी साइड में बनाने वाली हूँ. सो दिस वन बिग प्याज इज गोइंग टू बी गुड इनफ. तो अभी के लिए तो मैं इस अनियन को बस रफली चॉप करने वाली हूँ. I'm just going to take like half of the half tomato that I have because I don't want the curry to end up becoming too sour. And I'm also going to roughly chop this. So for the gravy today, I'm going to have to be a little bit careful with the quantity of masala, the garam masala that I use, because kal ki jo gravy bani thi wo thodi si zyada intense bani hai. By the way, a little bit of kitchen trivia. This bottle I use for oil, ठीक है. ये अपना तेल रखने के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ. सो ये जो है वो चोया करके एक जैपनीज प्लम वाइन आती है. सो दिस वन जैपनीज अक्वेंटेंस होम आई वॉज होस्टिंग बैक एट माई पेरेंट्स हाउस, ही बॉट दिस एज अ सुवेनियर फॉर मी. एंड दिस इज सच एन एक्सेप्शनली अमेजिंग बॉटल टू यूज़ फॉर ऑयल. तो ये इस तरह से खुलती है और इस तरह से मैं इसमें अपना ऑयल पोर करती हूँ. तो अभी के लिए बस इतने ही मसाले यूज करने वाली हूँ. ये सारे मसाले, अनियन, आई एम एडिंग द स्पाइसेस, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ टर्मरिक, अ लिटिल बिट ऑफ रेड चिली पाउडर, सम धनिया पाउडर, नो दैट वाज जीरा पाउडर, सम जीरा पाउडर, सम धनिया पाउडर. जिंजर गार्लिक पेस्ट का मेरे साथ ऐसा है ना कि आई लाइक टू यूज होममेड जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मैं बाद में फ्रीजर में रख देती हूँ, जो महीने के लिए आराम से रह जाता है. So into the onions, I'm going to add the ginger paste, some garlic paste, and some of that crushed chili that I have in the house. मैं इसमें मेरा आधा टमाटर भी ऐड कर रही हूँ. The eggs must be done by now. मुझे काफ़ी hard boil ही करना था इसको. All the eggs are deshelled. I am going to proceed with the marination of the eggs and then I am going to shallow fry them. तो बस थोड़े से ऐसे shallow से incisions बना रही हूँ इसके अंदर इसी तरह से, so that जो मैं marination के लिए spices use करूँगी वो अच्छे खासे अंदर तक इसके चले जाएंगे. Now for the marination of the eggs, I am again going to use some turmeric, red chili powder, धनिया powder and जीरा powder both. तो अब इसे बस थोड़ा सा mix करना है मुझे अच्छा खासा. Now it is covered with all the spices. अब मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो कढ़ाई थी ना जिसमें मैंने टमाटर अनियन का मसाला बनाया था उसमें बस थोड़ा सा ऑयल ऐड करके आई एम गोइंग टू फ्राई दीज एग्स. टिल द टाइम दिस ऑयल इज गेटिंग हीटेड अप आई एम गोइंग टू ब्लेंड दिस ग्रेवी बेस. अच्छा, एक एक करके वेरी केयरफुली आई एम गोइंग टू प्लेस वन एग इन साइड द ऑयल एट अ टाइम बिकॉज द एग माइट splatter a lot, which it didn't. I think the oil is not as hot as I wanted it to be, but anyway. So the eggs have started developing a little bit of that brownish color, and that is all I am looking for. मन कर रहा है मैं इन्हें अभी ऐसे ही खा जाऊं. इतने ज़्यादा delicious और appetizing दिखते हैं. After taking the last of the eggs out, I am going to pour in
this gravy shape. अब मैं इसे ढककर आई एम जस्ट गोइंग टू वेट फॉर द ऑयल टू सेपरेट एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द रियल टेस्ट मेकिंग द रागी मुद्दे. तो ये है मेरी रागी फ्लावर का डब्बा. सो आई एम चेकिंग आउट हेबर्स किचन रेसिपी फॉर द रागी मुद्दे. शी हैज़ यूज्ड घी व्हिच शी सेज इज ऑप्शनल, बट अगर घी है तो मैं तो यूज़ करूँगी. मैं ये ग्लासेस यूज़ करने वाली हूँ फॉर मेजरमेंट. सो इन गोज टू ग्लासेस ऑफ वाटर. ओके, मैं थोड़ा अपना भी दिमाग लगाने वाली हूँ. मैं दो कप नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे. ठीक है, थोड़ा सा सॉल्ट और ज़्यादा ले लेती हूँ एंड ऑल्सो सम घी. बाय द वे आई फॉरगॉट टू मेंशन बट आई डिड टेक आउट द तेज पत्ता. तो यहाँ पे आई थिंक दिस इज वॉर्म इनफ. व्हाट आई हैव टू डू इज मुझे पहले थोड़ा सा एक स्टार्टर रागी फ्लावर लेना है. सो I'm going to add some water to this, mix it, add it in there, and then I'm going to also fill this up. I think this is going to be enough. I'm going to add just a little bit of water. Lump free hai, iski aisi slurry si banane wali hu. Pani bhi boil hona shuru ho gaya hai. And I'm going to wait for this to come to a boil some more, like achha khasa boil aane ke liye I'm going to wait. Theek hai. I think I'm going to add the flour in while stirring because I imagine that will help a little bit. Oh, bhai sahab, ye pani to nahi zyada ho gaya isme? I don't know. This might thicken, I don't know. Lekin abhi bhi mujhe thoda patla sa lag raha hai, loose sa lag raha hai. Might have to add in a little bit of ragi flour to this. Haan, nahi. I don't think I need to add any more water. I think we are getting there. Aise isko, yeah, ye mera matlab aise muscle work ho raha hai. अरे वाह, नॉट बैड. ओके, आई एम गोइंग टू यूज दिस ढक्कन ओनली बिकॉज दिस ग्रेवी इज ऑल्सो रेडी. इसने भी काफ़ी सारा ऑयल छोड़ना स्टार्ट किया. आई थिंक आई एम गोइंग टू वेट फॉर लाइक 5 मोर मिनट्स. आई एम गोइंग टू ऐड द प्रीवियस पुरानी ग्रेवी. ओके, लेट्स डू दिस. तो ये दिखने में थोड़ी अलग है ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें थोड़े मसाले ज़्यादा गए हैं. अब मैं इसमें से तेज पत्ता भी निकाल रही हूँ. एंड यस, द जुगाड़ इज हैपनिंग पीपल. Right now the jugaad is happening. Washing this off. Hey, you know what? इसमें अगर मैं कसूरी मेथी ऐड करूँगी तो अच्छा स्वाद आएगा. नहीं, what I like to do with कसूरी मेथी is I like to crush it in between my palms like this and put. उससे ना इसका ऐसे फ्लेवर एकदम ओपन हो जाता है और ज़्यादा अच्छा. By the way, जो पहली वाली ग्रेवी थी ना उसमें कैश्यूज थे और उसमें थोड़ा सा बेसन भी था. सो आई ऑलरेडी हैव माई थिकनिंग एजेंट्स फॉर द करी. सो आई एम नॉट गोइंग टू ऐड एनी अदर थिकनिंग एजेंट टू दिस वन. आई एम गोइंग टू चेक फॉर द सॉल्ट अ लिटिल बिट. आई एम गोइंग टू ऐड द एग्स ऑल्सो इन द करी. मेरे पास धनिया नहीं है अभी, तो अभी मुझे धनिया के बिना काम चलाना पड़ेगा. आई थिंक दिस इज क्वाइट गुड. अब इसके सिर्फ गोले बनाने हैं, लेकिन ये है बहुत गर्म. या इट्स वेरी वॉर्म. हाँ, एंड प्लस इट्स स्टिकिंग टू माई फिंगर्स. रेसिपी को देखा हेबर्स किचन वाले, उसने ऐसे थोड़ा सा थाली में घी स्प्रेड कर लिया था. तो मुद्दे की बात ये है कि मुझे इसका गोला बनाना आना चाहिए, जो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है. काफ़ी गर्म है यार, खूब गर्म है. अजून थोड़ा ठंड वाला ठेऊ का, कड़क नहीं है. आय 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 आय. अच्छा, दिस इज़ वेरी हॉट यू गाइस, दिस इज़ वेरी हॉट. ठीक है, अब मैं ना हाय 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 आई एम गोइंग टू मेक लाइक 3 रागी मुद्दे आउट ऑफ दिस और 2. शुड आई मेक 3 or 2? सो अगर 3 बनाऊंगी तो छोटे हो जाएंगे, 2 बनाऊंगी तो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे. 3 ही बनाती हूँ, चलो. ठीक है, सो आई एम डिवाइडिंग दिस इंटू लाइक 3 इक्वल पीसेस. आई थिंक मुझे घी वाली आइडिया अच्छी लगी है वैसे, बिकॉज इससे ना ऐसे एकदम ग्लिसन हो रहे हैं. ओके, ठीक है, बढ़िया भाई की. ओके, और भी शायद स्मूद होने चाहिए, बन सकते थे. अब ये और ज़्यादा इनको स्मूथ करने के लिए क्या करना पड़ता है, आई डोंट नो. नेक्स्ट वन, बहुत ही चायला कितनी गरम है ते, पण त्यातून ते चिकटत आहे त्यामुळे ते अजूनच जास्ती गरम है. ठीक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे पूरे स्मूथ बनने चाहिए. वो स्मूथ बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो. आई लव टू नो. वट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज टेक द टेस्ट ऑफ द करी एंड द मुद्दे. सो लेट्स टेक यू टू द डाइनिंग टेबल. थोड़ा सा प्याज काट रही हूँ साइड में लेने के लिए. मेरे घर पे अभी जो प्याज है वो बहुत ज़्यादा तीखा है.
I am just completely unable to open my eyes at all. And this is the pura ka pura plate, theek hai? So we have 3 ragi mudde. Isme se aadha main Daniel ko de dungi waise. Thoda sa pyaaz rakha hai maine side mein. And the egg curry. Okay, theek hai. Let's taste. Yeah. So yeah, this is what it was like. Itna hi sticky tha, isi tarah ka dikh raha tha. Ab jahan tak main janti hu, you have to dip this in a curry like that, any kind of a curry, like so, and then you are supposed to gulp this down without chewing. I had to chew. I can't gulp it down. Yeah, that's my happy laugh. Maniacal, extremely happy laugh. I am so proud of myself right now. Oh my god, this is so good. ठीक है, ये करी मैं इसको डुबो रही हूँ इस तरह से. ओह दिस इज गुड. कसा झाला है? करी चांगली झाली है ना? आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि डैनियल ऐसे कर रहा है. तो ये क्या है ना, स्टिकी सा है और काफ़ी प्लेन सा होता है टेस्ट में, बट वेरी वेरी न्यूट्रिशियस एंड आई थिंक ग्रेट फॉर द समर्स, बिकॉज रागी बॉडी के लिए ठंडा होता है, सो इट एक्ट्स एज अ कूलिंग एजेंट. And with this extremely spicy curry, actually it's not extremely spicy, but it's very very tasty. Both ginger garlic paste and all the other spices are on spot. Ekdam on point ho gaye isme. Take a little bit of that mudda or mudde. वैसे is mudde plural? Take some anda with it. ओहो, ये तो फ्राइड वाला मस्त साइन आ गया इसमें. मिक्स दिस अप, इट्स काइंड ऑफ मेसी बट इट्स डिलिशियस. ओ वाओ, ईटिंग द मुद्दे द ग्रेवी एंड द एग ऑल टुगेदर. ओके, अभी तक जो भी मैंने बनाया अपने चैनल पे, दिस हैज़ बीन द मोस्ट डिलिशियस फॉर मी एटलीस्ट. I'm also going to eat the onion now. So, mudda, the egg, the gravy. Oh, what a beautiful, tasty mess. Wow, some yolk. Look at that. Also, a bite from the raw onion. This is heaven. Okay. You know what? I'm going to stop this video right here, right now. I'm going to finish this off. I'm going to just lick this off. This is so amazing. If you haven't tried this, you should definitely try this at home. Making ragi mudde is fairly simple, although I do think that I need to improve a little bit on the technique. But this has been by far really, really amazing, and I am thoroughly impressed. Like, Mohita is impressed with Mohita right now. So I will see you again probably next week with yet another vlog. Until next time, bye!